सर्कल देखिए, यहाँ से एंट्री बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ से गोनू की। वो तो भले एक बार को फाइट के अंदर जाने को अवॉइड करके एक लॉन्ग रोटेशन है, बट जेली उनके द्वारा यहाँ पर स्पेस चलते हैं कि जरूर से रेकनिंग के नुवान को भी डाउन किया जाएगा। न्यूक्लियर डाउन है अब यहाँ से, वो टीम वर्क की बात आती है और काफी बेहतरीन तरीके से अदा किया भी जाएगा। रिवाइवल मोमेंट पे यहाँ पर रिवाइवल मिल चुका है जी। आखिरी खिलाड़ी जरूर है, बहुत खिलाड़ी को उन्हें परे का गया लेकिन शायद थोड़ा सा वर्क हो गया था, लेकिन अब ये ग्रेड जो जाएगा ये बहुत हताहत करने वाला है रेकनिंग के उन खिलाड़ियों को। तो जी हाँ, खत्म करेगा एक ही बार में ही और फ्रैग काउंट जोनाथन ने और भी बढ़ा। लास्ट शो जरूर रहने वाली है, शायद वो वहीकल उस हार्ड कवर का काम क्रिप्टो को देखा, स्पॉट किया, स्प्रेस किया, नॉकडाउन किया, बट हाइड्रा स्क्वाड वो जोड़ना चाहती है, वो यहां से वैल्यूज निकालना चाहते हैं, वो ग्रेनेड्स का प्रहार दिखेगा, डैमेज देने की पूरी पूरी कोशिश। जोनाथन मूविंग फॉरवर्ड, कहता नीड उनके द्वारा भी चलेगा, जरूर से डाउन किया उस फ्रेगॉट को, और ग्रेड एक और ग्रेड, दोनों ही खिलाड़ी आस पास बैठे दूसरे के, वो ग्रेनेड चलते देखेंगे और एक और अच्छा नॉकआउट कंफर्मेशन साथ के साथ आता दिखेगा जेली के द्वारा। इससे पहले भी ग्रेनेड के चलते उन्होंने मल्टीपल नॉकआउट्स और कंफर्मेशन निकाला, शायद फिर से यही हो सकता रहेगा। चिंगा एक और वो ग्रेनेड, पर इस बार दो का एडिशन और आठ फ्रैग के साथ टीम बॉट एक टॉप फोर की जर्नी पर आ चुकी है अब हमारी स्क्रीन के सामने। स्प्रेस भी आपको चलते दिखेंगे जरूर से, बट जॉनथन उन्हें भी डाउन किया जाएगा, सिचुएशंस अब थोड़ी सी खराब होती दिखेंगी जरूर से उनके द्वारा। जेनिक्स एफएम के जॉर्ड भी समाप्त, बट तमला चार पीछे बैठी, वो स्प्रेस आईजेल के ऊपर जाते दिखेंगे जरूर जेली के द्वारा, एक आई जल दूसरे आई जल तक प्यार बरसाते हुए। पर जेडी वो बहुत निकट है, वो डीबीएस दोनों ही दिशाओं चलेगी, इवन जॉनथन भी डीबीएस लेके आगे बढ़ते देखेंगे। डीबीएस का फटका किसको पहले पड़ने वाला है, डाउन करने में सक्षम जॉनथन, एक एडवांटेज एरिया तो है, ग्रेनेड वो शायद नहीं है, हल्का और आगे मूव करना पड़ेगा, स्पेस चल रही है, तमुलास का ये एंगल बहुत ही ओवर एक्सपोज है, बट करण के पास मौका रहेगा और करण उस मौके का फायदा उठाएंगे, डाउन करेंगे जेली के ऊपर, सारा का सारा दमदार रहेगा, लेकिन करण का समापन जेली के द्वारा दिखेगा। जेली इज द लास्ट गाइस, द लास्ट होप फॉर द टीम फॉक्स, अगर रिवाइवल पर रहेंगे तो जेली कंफर्मेशन निकाल सकते हैं, ही इज पॉपिंग द फर्स्ट एड, इज गोइंग फॉर द फाइट, फॉक्स वो रिवाइवल में अभी भी कायम है, अगर जेली ने हल्की और देने की तो दो प्लेयर्स होंगे इसमें तरीके, बट जेली ट्राई टू कंफर्म द फ्रैग डैमेज देंगे, बट फॉक्स के द्वारा भी लोअर ग्राउंड से हाई ग्राउंड पे एक काफी तगड़ा डैमेज आया।